हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी आलू पराठा बहुत टेस्टी लगता है इसका जो हमने डो बनाया है वो अलग तरीके से बनाया है जिसकी इस स्टफ़िंग बनाई है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाली लगती है तो चलिए देखते हैं हमने इस पराठे को कैसे बनाया है बहुत ही क्रिस्पी आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं और यहाँ पर हमने चार मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं जो कि बॉयल्ड हैं गर्म गर्म आलू बहुत जल्दी से मैश हो जाते हैं और ठंडे आलू हो जाते हैं तो कभी हम लोग को ग्रेटर की जरूरत पड़ती है कभी हम लोग को मैशर की ज़रूरत पड़ती है और टाइम भी काफ़ी लगता है तो इससे इस बेटर कि आप गरम गरम आलू को स्पून से ही आराम से मैश कर लीजिए टाइम भी कम लगता है और ताकत भी कम लगती है और इस तरीके से मैश करने के बाद में इसको हम रख देंगे साइड में इसका बहुत ही स्पेशल से मसाला रेडी करेंगे जब हम लोग भुना हुआ मसाला ना तुरंत उसको पीस के बनाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत स्पेशल मसाला बनाने जा रहे हैं हम इन आलुओं के लिए चलिए बना लेते हैं फटाफट से मसाला तो स्पेशल आलू पराठे बनाने के लिए स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं एक पैन में टू टी स्पून धनिया लीजिए खड़ी धनिया आती है ना वो इस्तेमाल करेंगे आधा टी स्पून जीरा इस्तेमाल करेंगे आधा टी स्पून काली मिर्च और इसके अंदर हम मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है टेस्ट में तो वन फोर टी स्पून इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हाफ टी स्पून अजवाइन को डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो हम जितना मसाला इसके लिए बना रहे हैं तुमने चार मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं ना उसी के लिए पूरा मसाला रेडी करेंगे और सारा ही इस्तेमाल करेंगे सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है कम से कम चार से पाँच मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के बीच में और इसको ठंडा करने के बाद में इसको हमें पीस लेना है और मैश पोटैटो के अंदर हमने अदरक डालिए हरी मिर्च डालेंगे आप चाहे तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो और जो हमने मसाला पीस के रेडी किया ना स्पेशल मसाला आलू के लिए सारे ही हम ऐड करेंगे कुछ भी बचाएंगे नहीं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला ऐड कर देंगे और इसके अंदर इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए खुशबू बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर हींग इस्तेमाल करी है हाफ़ टी स्पून के करीब बस एक चीज़ इसमें और डालेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है तो थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं नमक डाल देते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम थोड़ा सा चाट मसाला जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है तो यहाँ पे हमारा आलू का बढ़िया सा मसाला तो बन के रेडी हो चुका है अब चलिए बढ़िया सा डो भी बना लेते हैं डो बनाने के लिए हमने क्या किया नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है जिससे हम लोग रोटियाँ बनाते हैं सेम वही आटा हमने लिया दो कप इसके अंदर आधा कप सिर्फ आधा कप हम बेसन का आटा जो बेसन होता है ना वही मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे रेशियो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस कप या फिर बोल से आपने गेहूँ काटा लिया सेम उसी बोल का ही इस्तेमाल करेंगे सेम उसी बोल से आधा कप हम बेसन ले लेंगे और बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा करने से क्या होगा ना बहुत ज़्यादा बेसन का टेस्ट पता चलेगा और जब पराठे बनाएंगे ना वो भी बहुत फट से जाएंगे और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में मीनस बेसन का टेस्ट ज़्यादा लगेगा ना इस वजह से तो यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे नमक सिंपल नमक डाल के और हमने कुछ भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है अभी और इसका जो डो बनाना है ना बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना के आपको रेडी करना है जैसे कि हम लोग कचौड़ी वगैरह के लिए डो बनाते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बिल्कुल वैसे ही आपको थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना के रेडी कर लेना है तो ये देखिए डो बना के हमने रेडी कर लिया और एकदम एंड में थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वन टीस्पून के करीब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस डो को रख देते हैं दस से पंद्रह मिनट के लिए कवर करके उससे क्या होता है ना रेस्ट कराने के बाद में आटा बहुत ही बढ़िया हो जाता है उसका टेक्चर बहुत अच्छा हो जाता है वो फिर उससे कुछ भी बनाते हैं ना बहुत बढ़िया तरीके से बनता है तो यहाँ पे इसको रख देते हैं हम तो यहाँ पे इसको रखे हुए दस मिनट हो चुके हैं और इसको एक बार मसाज दे देंगे उसके बाद चलिए बना लेते हैं अपने पराठे तो बिल्कुल जैसे हम लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे और जिस साइज़ के आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके जो बॉल्स हैं लोई हैं वो बना सकते हैं और जितना हमने आटा लिया उससे कम से कम सात से आठ पराठे बन जाते हैं डिपेंड करता है कि कितने बड़े या फिर कितने छोटे भी आप बना रहे हैं एक दो कम ज़्यादा भी हो जाता और पूरी का जो बेस बनाते हैं ना तो सेंटर में बीचों बीच में थोड़ा सा मोटा रखते हैं किनारों पे पतला रखते हैं इस तरीके से इसमें मसाला डाल देंगे और अच्छा खासा क्वांटिटी में मसाला लेके अच्छे से स्टफिंग कर देंगे और साइड से इस तरीके से बस फोल्ड कर देंगे और हमारे इसी तरीके सारे के सारे हम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने सारे यहाँ पर बना के रख लिया अगर एक साथ आपको इस तरीके से रखने तो सूखा आटा लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से रख सकते हैं कवर कर दीजिए कपड़े से और बस इसी तरह से हम रोटियाँ बनाते हैं सारे उसी तरीके से हमें बना लेने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी की तरह हमने इसको बना के रेडी कर लिया इतना पतला है बहुत मोटा नहीं बनाया आप देख सकते हैं अंदर जो स्टफिंग थी ना वो दिख रही है ऊपर से अब हमें क्या करना है कुछ और हमने बना लिए और मेन चीज़ यहाँ पे हमने इसे पानी लगाना एक साइड में अच्छा खासा अमाउंट में हमें पानी लगा लेना इसको एकदम गीला कर लेना आप देख सकते हैं अच्छे से गीला कर लेंगे दूसरी तरफ आपको तवा अपना रेडी करके रखना है पहले से ही उसमें अच्छे खासा गर्म करके रखिए पहले से ही और इस तरीके से एक साइड में पानी लगा लीजिए और जैसे हम लोग नान बनाते हैं ना बिल्कुल एक साइड में पानी लगा के इससे पानी की साइड है ना गीली साइड में वो आप तवे पे ऐसे डाल दीजिए और ऊपर थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे जैसे कि नान में लगाते हैं इससे कलौंजी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ऊपर से कलौंजी डालने के बाद में हल्का सा प्रेस कर दीजिए बस हल्के गीले हाथों से इस तरीके से कुछ और बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए थोड़ी देर के लिए जब तक आप ऊपर से फूल जाता है खुद ही कभी कभी कोई पराठा नहीं फूलता है वैसे तक फूल जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर कैसे चेंज हो गया है और ये फूल भी गया है बस तीन से चार मिनट तक ऐसे पकने दीजिए इसको और जब ऊपर की लेयर आपको ड्राई सी दिखने लगे ना तब इसको पलट के जो भी गैस आप इस्तेमाल करें इस, कर इस तरीके से पलट के सेक लेंगे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पूरा हर जगह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तो तक आपको इसी तरीके से तवे को उल्टा करके सेकना है तो ये पराठे ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप सोचेंगे इस पर बटर या फिर घी लगा के खाए वैसे ही आप बना सकते हैं जैसे कि हम लोग सेम आलू का पराठा बनाते हैं लेकिन इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट अलग आता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं स्पेशली इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसन इस्तेमाल करा है ना उसकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और इस तरीके से आप तवे पर ऐसे पलट के उसको पकाते हैं ना तो बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आता है ना बहुत टेस्टी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फूला फूला सा आलू का पराठा बिना तंदूर के तंदूरी पराठा बन के रेडी हो चुका है जो कि खाने बहुत टेस्टी लगता है तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसको आराम आराम से हम ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारा पानी लगा के इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया था कम पानी लगाते हैं तो क्या होता है ना कभी कभी पलटने से मीन जब तवे को उल्टा करके हम सेकते हैं ना तो पराठा डायरेक्ट फ्लेम पर ही गिर जाता है इस वजह से और आप इसके पीछे की लेयर देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है ना देखने में तो खाने में बहुत अच्छा लगता है आप भी ट्राई कीजिएगा इसको तो हमारे बहुत ही टेसी सा बिना ऑयल के बिना तंदूर के पराठा बन के रेडी हो चुका है कभी कभी कुछ लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो उस केस में भी आप इस पराठे को बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है और बस सर्व करेंगे तो खूब सारे इसमें बटर लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और अपनी मनपसंद सब्जी के साथ में